स्पाइस मनी आईडी फ्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए। अभी स्पाइस मनी आईडी फ्री में लेने के लिए आपको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, कोई रुपया भी नहीं देना होगा, फ्री में ऑनलाइन आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो क्या स्टेप है, 5 मिनट ये वीडियो जरूर देखिए। पहले आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे स्पाइस मनी अधिकारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने का टाइम जो परमिशन आएगा, लोकेशन या इमेज या कैमरा, वो सब अलाउ कर दीजिए। उसके बाद देखिए स्पाइस मनी का आईडी पासवर्ड देने का ऑप्शन है, उसका नीचे में एक ऑप्शन आएगा जो ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ, एक लाल कलर का रेड कलर का ज्वाइन बटन आएगा, उसके ऊपर टच कीजिए। ठीक है, उसके ऊपर टच करने ही आपका मोबाइल नंबर देने के लिए बोलेगा। स्पाइस मनी आईडी के लिए जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ही आपका ओटीपी ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा उस स्मार्टफोन के अंदर। उसके बाद एक पेज खुल जाएगा, एक पेज, एक फॉर्म फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो जो फर्स्ट आपका काम होगा, जो ऊपर में ऑप्शनल डिस्ट्रीब्यूटर कोड देने का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको आपका नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोड देना होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोड नहीं पाता तो 192158, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर कोड है 192158, ये डिस्ट्रीब्यूटर कोड आपको डाल देना। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर टच करके मेरा नाम वहाँ पे शो हो जाएगा, सौभिक सौभिक प्रामाणिक मेरा नाम। अगर आप कंफर्म कर देगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कोड वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो भी फिलअप करेगा आपका डाटा 24 घंटे के अंदर मेरा ऑफिस से क्लियर करके सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद जो ऑप्शन है आपको क्या क्या करना होगा, जो फॉर्म आएगा उसके आपका या आपका दुकान का ही डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो क्या क्या करना होगा, पहले बात जो आपको ध्यान में रखना होगा, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड में भी चल जाएगा। और आपका खुद का नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई दुकान का नाम पे करंट अकाउंट होगा तो नहीं होगा। आपका खुद का पर्सनल नाम, जो पैन कार्ड आधार कार्ड के जो नाम है उसी नाम पे एक सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होना जरूरी है। पेटीएम बैंक होगा तो भी चलेगा, लेकिन पेटीएम बैंक का स्टेटमेंट वहाँ पे अपलोड करना होगा। जो फॉर्म आएगा फर्स्ट टाइम आपका ही नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम डालना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जो सारे डिटेल्स है देना होगा, दुकान का एड्रेस में आपका दुकान का नाम, दुकान का लोकेशन, आप लोकेशन सेट कर सकते हो। अगर आपका दुकान नहीं है तो आपका हाउस के सामने खड़ा होकर एक फोटो खींच के अपलोड कर देना होगा। फॉर्म का ऊपर ही एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपका फोटो, सेल्फी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो खींच के आप वहाँ पे अपलोड करा दीजिए। उसके बाद सबसे जो जरूरी बात है, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। तो आपका बैंक पासबुक मतलब आपका बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वहाँ का जो फ्रंट पेज जहाँ पे आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड है, उसका फोटो खींच के अपलोड करना होगा। अगर आपका आधार कार्ड एक साइड है तो एक साइड और एक साइड अलग अलग साइड अपलोड करना होगा, अगर एक साइड ही है तो सिंगल साइड आप अपलोड करा दीजिए। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है, सबसे खतरनाक एक काम होगा, वो आपको ध्यान से करना होगा। जो सेल्फी KYC का वीडियो है वहाँ पे आपका नाम बोलना होगा, आपका फुल एड्रेस बोलना होगा, आपका मोबाइल नंबर बोलना होगा, आपका दुकान का नाम बोलना होगा। उसके बाद मैं स्पाइस मनी आईडी के साथ काम करना चाहता हूँ ये बोलना होगा। एक वीडियो जो 15 से 20 सेकंड का होगा तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद अगर सबमिट करा देगा तो 24 घंटे के अंदर आपका फुल रिक्वेस्ट स्पाइस मनी कंपनी के पास या मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई 24 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर आपका स्पाइस मनी आईडी और पासवर्ड आपका मोबाइल में चला जाएगा। तो ये है स्पाइस मनी ऑनलाइन खुद रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। तो ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रीब्यूटर कोड 192158 ये जरूर डालिए और वीडियो का लास्ट का जो वीडियो KYC ये सही से अपलोड कीजिए। वीडियो KYC कैसे करना होगा लास्ट में एक डेमो मैं आप लोगों को दे दूंगा। मेरा नाम जयदेव दे, माय एड्रेस विलेज डापचा पोस्ट सातबाकुड़ा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम मेदिनीपुर स्टेट वेस्ट बंगाल, मेरा पिन कोड 721253, माय मोबाइल नंबर 8617034408, मेरा शॉप का नाम जॉय ऑनलाइन सेंटर, मैं स्पाइस मनी रिटेलर आईडी लेके काम करना चाहता हूँ। और स्पाइस मनी आईडी मेरे पास भी आप ले सकते हो, तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे वीडियो है, वो वीडियो चेक कीजिए। और फुल स्टेप
स्पाइस मनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फुल स्टेप वीडियो आप देखना चाहते हो तो बंगाली लैंग्वेज में मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दे दिया, वहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा फॉर्म फिलअप हुआ है। वीडियो यहाँ पे खत्म करना था। अगर आप किसी का कमेंट है, किसी का क्वेश्चन है तो वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का।